नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस। मोदी से पहले नीतीश की बारी, चिराग बोले लिखकर ले लीजिए, लोकसभा से पहले होगा बिहार में चुनाव। शरद यादव ने लालू के मुहिम की निकाली हवा, वाम दलों के साथ मिलकर यूपी चुनाव में उतरेगी एलजेडी। पंचायत चुनाव को लेकर पटना पुलिस ने कसी कमर, एसएसपी ने थानेदारों को दी सख्त हिदायत। बिना इंश्योरेंस के यदि आप चलते हैं तो हो जाए सावधान, दुर्घटना होने पर पहले वाहन को किया जाएगा जब्त, फिर होगी नीलामी की प्रक्रिया। बिहार में अब बीडीओ और डीडीसी से छिनाने जा रहा है पावर, सभी जिलों में तैनात होंगे नए पदाधिकारी। बिहार में आज से खुल गए 9वीं और 10वीं के स्कूल, 18 अगस्त से पढ़ने जाएंगे 1ली से 8वीं तक के बच्चे। बिहार में शिक्षकों पर लटकी तलवार, ये गलती करेंगे तो हो जाएंगे सस्पेंड। पंचायतों में सहायक की तैनाती शुरू, बिहार में 15 अगस्त से गांव में ही बनेगा जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। मौसम बदलते ही उत्तर बिहार में चमकी बुखार का केस आना शुरू, एईएस से एक और बच्चे की मौत। बिहार के करीब 78 लाख किसानों के खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त, सुशील मोदी का राहुल गांधी पर अटैक। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव साल 2025 में होने हैं, उसके ठीक एक साल पहले देश में आम चुनाव होंगे। साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन मैं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान इससे इत्तफाक नहीं रखते। चिराग पासवान की माने तो पीएम मोदी से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किस्मत पर फैसला होगा। चिराग पासवान लगातार यह कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान आज शिवहर पहुंचे चिराग पासवान ने एक बार फिर दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जो स्थिति हो गई है उससे साफ है कि अब नीतीश कुमार की वापसी नहीं होने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और इस बार उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चिराग ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी में चाहे जो भी फेरबदल कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि जनता उन्हें बदलने का मूड बना चुकी है। विधानसभा चुनाव में नीतीश का पत्ता साफ हो जाता, लेकिन किसी तरह वह बीजेपी के कारण सत्ता में आ गए। पूरे देश की नज़र अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। यूपी इलेक्शन को लेकर अलग अलग दलों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव जब जमानत पर रिहा हुए तो पहली बार वह यूपी इलेक्शन को लेकर सक्रिय दिखे। पिछले दिनों उन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद शरद यादव से भी आरजेडी सुप्रीमो की मुलाकात हुई थी। माना जा रहा था कि लालू यादव ने यूपी इलेक्शन के लिए समान विचारधारा वाले दलों को सपा का साथ देने का सुझाव दिया था, लेकिन शरद यादव को लालू यादव का यह सुझाव मंजूर नहीं हुआ। यही वजह है कि अब शरद यादव अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल को यूपी इलेक्शन में अलग से उतारने जा रहे हैं। शरद यादव ने यूपी के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। एलजेडी सूत्रों की माने तो यूपी विधानसभा चुनाव में शरद यादव की पार्टी वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए अंदरखाने में बातचीत हो रही है। पार्टी की बैठक में इस पर चर्चा हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पंचायती राज विभाग को प्रस्तावित कार्यक्रम की सिफारिश भी कर दी है। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद पंचायती राज संस्थानों के लगभग 2.59 लाख प्रतिनिधियों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। चुनाव को लेकर पटना पुलिस ने कमर कस ली है। रविवार को हुई क्राइम मीटिंग में पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने जिले के थानेदारों और अन्य सीनियर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया है। क्राइम मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने बताया कि सावन का महीना चल रहा है, 19 तारीख को मुहर्रम भी है, साथ ही पंचायत चुनाव की भी शुरुआत होने जा रही है। तमाम चीजों को लेकर पुलिस की रणनीति पर चर्चा की गई। इन सारी चीजों को लेकर स्थितियां थोड़ी गंभीर हो जाएंगी, जिसे देखते हुए पुलिस कर्मियों को हिदायत दी गई कि किस तरीके से काम करना है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों से सड़क दुर्घटना या मौत होने पर उक्त वाहन को पुलिस जब्त करेगी एवं नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। वाहन को तब तक नहीं छोड़ा जा सकेगा जब तक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल जाता है।
इस संबंध में बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 1961 में वांछित संशोधन किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहन से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मुआवजा भुगतान हेतु नियम बनाए जाने के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्रवाई की गई है। यह व्यवस्था 15 सितंबर से पूरी तरह लागू हो रही है। बिहार सरकार सभी जिलों में तैनात DDC यानी कि उप विकास आयुक्त और BDO का पावर छीनने जा रही है। पंचायती राज विभाग को पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के गजट प्रकाशन का इंतजार है। जैसे ही राजपत्र का प्रकाशन होगा, इन दोनों अधिकारियों का पावर छिन जाएगा और सरकार सभी जिलों में नए पदाधिकारियों की तैनाती करेगी। दरअसल बिहार सरकार जिला परिषद से DDC और पंचायत समिति से BDO को बेदखल करने जा रही है। उप विकास आयुक्त की जगह पर बिहार के सभी जिला परिषदों में नए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की तैनाती होगी, जबकि पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी अब BDO से छिनकर वहां के पंचायती राज पदाधिकारी को दे दी जाएगी। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि गजट प्रकाशन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग से 38 पदाधिकारी वे मांगेंगे। सामान्य प्रशासन से पदाधिकारियों की सूची मिलते ही उनकी तैनाती जिलों में कर दी जाएगी। गौरतलब हो कि बिहार में पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अभी तक जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में वहां के उप विकास पदाधिकारी ही काम करते थे। बिहार में आज से अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। आज से बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 9वीं और 10वीं के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों के संचालन की व्यवस्था की गई है। सरकार के नए नियम के अनुसार 50% उपस्थिति के साथ कक्षा का संचालन किया जाएगा। अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन के अनुसार क्लास में 6 फीट की दूरी पर बच्चे बैठेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 18 अगस्त से पहली से 8वीं तक के सभी प्रारंभिक विद्यालय स्कूलों को खोला जाएगा। हालांकि इस दौरान बच्चों को मिड डे मील का भोजन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहली से 8वीं कक्षा तक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालयों और कर्पूरी छात्रावासों का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही अनुमान किया गया है। कोरोना के कारण काफी लंबे समय से बंद पड़े सरकारी और प्राइवेट स्कूल अब खुल गए हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर नीतीश सरकार अब थोड़ी भी शिथिलता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य से लेकर अब शिक्षकों की उपस्थिति पर सरकार की नजर रहेगी। इसके लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अगर बिना सूचना दिए शिक्षक गायब पाए गए तो ऐसे शिक्षक बक्से नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार बच्चों की पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध सभी जिलों को आदेश दिया है। उन्होंने हर जिले में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निरीक्षण अभियान चलाने का आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार समेत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया है। बिहार में अब किसी को भी जाति, आय व निवास और अन्य प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए अंचल कार्यालय जाकर लंबी लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद उसको प्राप्त करने का कार्य पंचायत स्तर पर ही पूरा हो जाएगा। पंचायती राज विभाग के हालिया आदेश में आगामी 15 अगस्त तक इससे संबंधित RTPS अर्थात राइट टू पब्लिक सर्विसेज काउंटर की सुविधा पंचायत स्तर पर प्रभावी हो जाएगी। पंचायतवार RTPS काउंटर खोलने के आदेश का अनुपालन करने की कार्रवाई अपने जिले में जारी किया गया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री यादव ने बताया है कि राज्य सरकार ने लोक सेवाओं से जुड़ी सुविधा को और सुलभ व आसान बनाने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है। सुविधा युक्त पंचायतों में आगामी 15 अगस्त के बाद RTPS काउंटर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनता को संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। SKMCH के पीकू वार्ड में भर्ती AES से पीड़ित एक बच्चे की मौत शनिवार को हो गई। मृतक राजेंद्र कुमार तुर्की छाजन का रहने वाला था। उसे शुक्रवार को गंभीर हालत में SKMCH में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उसके लक्षण को देखते ही AES मानकर इलाज करना शुरू कर दिया था। हालात
गंभीर होते देखकर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। शनिवार सुबह करीब 11 बजे उसने दम तोड़ दिया। वहीं एक और बच्चे में एएस की पुष्टि भी हुई है, वह मधुबन का रहने वाला है। उसका इलाज पीको वार्ड में चल रहा है। बता दें कि इस साल मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। वहीं 57 मरीजों में से अब तक एएस की पुष्टि हुई है। एक संदिग्ध मरीज भी भर्ती हुआ है। शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी की माने तो मौसम में हो रहा अचानक बदलाव से बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण बच्चे बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बिहार के 78 लाख से अधिक किसानों के खाते में आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त पहुंच जाएगी। 2000 रुपये प्रति किसान के हिसाब से 15 अरब रुपये से ज्यादा की राशि पहुंचेगी। अभी तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 16,000 रुपये केंद्र सरकार दे चुकी है। प्रधानमंत्री खाते में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करेंगे। बिहार से कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभिमान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उपज के समर्थन मूल्य में 1.5 गुना से ज्यादा वृद्धि की है। अब 9 अगस्त को 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त के तहत 19,500 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने हाल में बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं के रिकॉर्ड खरीद की है। इससे 80,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आए और सबसे ज्यादा फायदा पंजाब हरियाणा के किसानों को हुआ है। राहुल गांधी के ट्रैक्टर से संसद भवन जाने या जंतर मंतर पर धरना देने की नौटंकी से किसान गुमराह होने वाले नहीं है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।